जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली 3 का चौथे के 2 प्रश्न हमने हल कर लिए थे, अब है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में 3 गोले दे रखे हैं हमें, एक गोले में एक संख्या है और दूसरे गोले में अलग अलग संख्याएँ दे रखी है और तीसरा गोला है खाली, ठीक है। अब तीसरे गोले में हमें जो पहला गोला है उसमें से जो दूसरे गोले में संख्या दे रखी है उसको जोड़ेंगे और जो खाली गोला है उसमें जो संख्या आएगी वो लिख देंगे। जैसे 523 में 151 को जोड़ा, इसी ऐसे ऐसे चलते जाना है ऐसे, ठीक है। एक एक संख्या को हम जोड़ते जाएंगे इस बड़ी संख्या से। तो 523 में 151 जोड़ेंगे तो कितना आया, 674। ऐसे ही अगली संख्या देखते हैं, 523 में 601 जोड़ेंगे तो जोड़ करते हैं, 3 और 1 4, 0 और 2 2, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। अब 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो क्या संख्या हमें प्राप्त हो गई, 523 और 601 को जोड़ने पे 1124। ऐसे ही 523 में 143 जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 7 और 2 6, 1 और 5 6, 666। 523 में 143 जोड़ा तो संख्या क्या बन गई, 666। अब 523 में 297 जोड़ेंगे, 3 और 7 10, हासिल की 1, 9 और 2 11, 11 और 1 हासिल का 12, हासिल का 1 फिर से लग गया 2 पे, 5 और 2 7, 7 और हासिल का 1 8। तो क्या संख्या मिली, 520। 297 में 523 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 820। अब अगली संख्या 377, 523 में 377 को जोड़ करेंगे, 3 और 7 10, हासिल का 1, 2 और 7 9, 9 और हासिल का 1 10, फिर एक हासिल लग गया, 5 और 3 8, 8 और हासिल का 1 9। तो क्या संख्या प्राप्त हुई, 900। 523 में 377 जोड़ने पे संख्या क्या मिली, 900। अब 523 में 888 जोड़ना है, 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 का 1, हासिल की 1 यहाँ लग गई, 2 और 8 10, 10 और हासिल का 1 11, फिर एक हासिल की 1 यहाँ लग गई, 5 और 8 13, 13 और हासिल की 1 14। तो क्या संख्या मिली, 1411। 888 में 523 जोड़ने पे संख्या प्राप्त हुई 1411। अब है 523 को 263 में जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 2 और 6 8, 5 और 2 7, 786। 523 में 263 जोड़ा तो 786 संख्या आई। अब 523 प्लस 400, 3 और 0 3, 2 और 0 2, 5 और 4 9, क्या संख्या आई, 223। 523 में 400 जोड़ा तो क्या संख्या मिली, 223, ठीक है। ये एक प्रश्न हमने हल कर लिया है तीसरा। अब लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी ऐसे ही है, 932 में 710 को जोड़ेंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी, 1642, ठीक है। अब अगली संख्या है हमारे पास में 932 में 811 को जोड़ना है, 1 और 2 कितना हो गया, 3, 1 और 3 4, 1 में 3 जोड़ा 4 हो गया, 8 और 9 कितना हो गया, 17। तो संख्या आ गई हमारे पास में 1743, 932 प्लस 811 बराबर कितना हो गया, 1743। ऐसे ही 932 में 99 जोड़ेंगे तो 9, इसमें इकाई दहाई 2 अंक है और इसमें इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक है, तो इकाई को कैसे जोड़ देंगे, दहाई को दहाई से जोड़ देंगे, सैकड़ा के लिए नीचे कोई संख्या नहीं है तो सैकड़ा की संख्या को ऐसे उतार देंगे, 9 और 2 कितना हो गया, 11, हासिल का 1 लगा दो। अब 3 और 9 12, 12 और हासिल का 1 कितना हो गया, 13। अब 13 है तो हासिल का 1 यहाँ लगाएंगे 9 पे, सैकड़ा के अंक पे, आगे संख्या तो है ना, एक संख्या है सैकड़ा की तो 9 पे लगाएंगे, 9 और हासिल का 1 कितना हो गया, 10। तो संख्या आ गई हमारे पास में 1031, 932 में 99 जोड़ा तो संख्या हो गई 1031। अब 932 में 647 को जोड़ करनी है, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 4 और 3 कितना हो गया, 7,
छः और नौ कितना हो गया, 15। तो संख्या आई 1579। ठीक है, अब 932 में 248 को जोड़ेंगे, 8 और 2 10 हासिल का 1, 4 और 3 7, 7 और हासिल का 1 8, 9 और 2 कितना हो गया 11, तो 1180 संख्या प्राप्त हो गई। अब 932 में 918 को जोड़ना है, 2 और 8 10 हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 9 और 9 18, ये 18 लिख दिया, तो 932 में 918 को जोड़ा तो क्या संख्या आ गई, 1850। अब ऐसे ही अगली जोड़ करते हैं, 932 में 873 जोड़ना है, 2 और 3 5, 3 और 7 10 हासिल का 1, 9 और 8 17, 17 और हासिल का 1 18, तो 1805 संख्या आ गई। 932 और 873 को जोड़ा तो 1805 संख्या प्राप्त हुई। अब 932 में 722 को जोड़ करेंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 और 2 5, 9 और 7 16, तो हमारे पास 1654 संख्या प्राप्त हुई। 932 में 722 को जोड़ेंगे तो 1654 संख्या आई।